आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। चंदेल चढ़ार समाज ने आज नगर में निकाली शोभा यात्रा। मां नर्मदा जयंती के अवसर पर आज चंदेल चढ़ार समाज के लोगों ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का शुभारंभ शास्त्री पार्क से हुआ, जहां छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर इस शोभा यात्रा में निकली। बड़ी संख्या में समाजजनों ने शोभा यात्रा में शिरकत की। वहीं जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जिले में बच्चे पी रहे दो बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो का चल रहा अभियान। पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत आज बच्चों को दो बूंद पिलाई गई। पूरे जिले में लाखों बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता तो सक्रिय बने हुए हैं, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पोलियो बूथ भी लगाए गए हैं। जिला चिकित्सालय गुना में विधायक पन्ना लाल शाक्य एवं नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा द्वारा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस मौके पर CMHO डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी, मनोज दुबे, रमेश मालवीय, विकास जैन नखराली, विनोद सागर, डॉक्टर PK शर्मा सहित डॉक्टर की टीम मौके पर उपस्थित थी। देख नहीं रहा चेहरा उसका, टोप आ गया। बहुत बढ़िया जी है यार, बहुत अच्छा। न्यायालय में भृत्य पद की भर्ती के लिए MA और इंजीनियरों ने भी किया आवेदन। मात्र 6 पद के लिए उमड़ा युवाओं का भारी हुजूम। जिला एवं सत्र न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी पद के लिए आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक भृत्य के महज 6 पद हैं। जिला न्यायालय में युवाओं की भर्ती के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। खास बात यह है कि चपरासी की योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है, लेकिन 80% उम्मीदवार 12वीं एवं पोस्ट ग्रेजुएट व डिग्री धारी हैं। कईयों ने तो इंजीनियरिंग की परीक्षा भी पास कर रखी है। गौरतलब है कि जिला एवं सत्र न्यायालय में भर्ती के लिए 31 दिसंबर तक फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि थी एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए गए थे। बताया गया है कि स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा जो कि 7 अंक का होगा एवं मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। भैया 6 में से 10 और आ जाओ, 6 में से 10, 6 में से 10 और आ जाओ। एडमिट कार्ड हाथ में रख लो, एडमिट कार्ड हाथ में ले ले, 10 आ जाओ। एडमिट क्या नंबर वाले को ले आओ, एडमिट कार्ड हाथ में ले लो। ये कितने नंबर छोड़ दिए? 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर 10। एडमिट कार्ड हाथ में ले लो, जाने दो, एडमिट कार्ड हाथ में लेकर आते जाओ। एक दो बमौरी विकास खंड के मुरादपुर गांव में पंचायत की लापरवाही का नतीजे कहें या सरकारी व्यवस्थाओं की कमी, क्योंकि ग्राम मुरादपुर खुद एक पंचायत होने के बावजूद भी पूरे गांव में गंदगी का सैलाब सा आया हुआ है। गली गली में कीचड़ एवं गंदा पानी भरा हुआ है और गांव में कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। गांव से बाहर निकलने के लिए एक पुलिया बनी है, वह भी पूरी तरह से टूट चुकी है। इसकी शिकायत ग्रामीण लोग सरपंच एवं प्रशासनिक अधिकारियों से कर चुके हैं। कई बार ग्रामीण लोगों ने सरपंच से भी गुहार लगाई, लेकिन सरपंच द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण समस्या है कि वहीं पड़ी हुई है। कितना पानी है उसमें? कुछ नहीं, एक दो फीट है बस, तो नहीं चलेगा? 115 फीट दूर निकल रहा है। मात मतलब पुर गया? पुर नहीं, इतना ही है।
विवेकानंद ग्रुप द्वारा गोद ग्राम कंचनपुरा में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रुप संयोजक जितेंद्र ब्रह्म भट्ट ने बताया कि आज ग्रुप के अध्यक्ष गोपाल शर्मा, सचिव विक्रम गंगवाल, कार्यकारी अध्यक्ष मातृशक्ति ग्रुप रचना माझी एवं मिथिलेश परिहार ने कंचनपुरा बस्ती में जाकर घर घर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए प्रेरित किया। नशे से जागरूक करने के लिए ही आज प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें पूरा समुदाय हमारे बीच में इकट्ठा है। इस समुदाय को हम नशा मुक्ति के लिए यहाँ पे एक अभियान चलाएंगे हम लोग, और हम प्रत्येक रविवार को विवेकानंद ग्रुप और राष्ट्रीय योजना के सदस्य हैं, हम लोग यहाँ आएंगे और इस समुदाय से नशा मुक्ति के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम इन चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और आज पल्स पोलियो दिवस भी है, तो हमारे सारे साथियों ने घर घर जाके सारे लोगों से पल्स पोलियो के जो छोटे 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको पल्स पोलियो में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। हमारे साथ में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रचना माझी हैं, हमारी मिथिलेश परिहार जी हैं हमारे बीच में जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मिथिलेश जी हमारे साथ जो महिला संगठन है उसके उपाध्यक्ष हैं। इस तरह से हम पूरा संगठन समाज को जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहा है। और हम राधोगढ़ की नारायणपुरा शक्कर फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को 14 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए एवं धरना प्रदर्शन करने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक कार्य नहीं किया जाएगा। रोजाना 2200 टन से ज्यादा शक्कर का निर्माण होता है। जानकारी मिलने के बाद राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह कर्मचारियों के पास पहुंचे और नारायणपुरा शक्कर फैक्ट्री के महाप्रबंधक से मुलाकात कर कर्मचारियों के वेतन को लेकर चर्चा की। महाप्रबंधक के द्वारा 22 फरवरी तक वेतन और बोनस का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों का कहना है कि वह अपने खेत से गन्ने की ट्राली भरकर शक्कर फैक्ट्री में तुलाई के लिए लाते हैं, उनका नंबर 2-2 दिन में आता है। ऐसे में कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से मशीनें बंद पड़ी हैं और उन्हें कई दिनों तक तुलाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पर्ची लेके घूम रहे हैं, पर्ची से कोई दुकानदार भगा दे वो पर्ची लेके जाएंगे, पैसा नहीं मिल रहा है। चलो अगले साल से वेतन आज तक नहीं मिली, रिटेनिंग होना आजकल कर रहे हैं, रिटेनिंग नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बगैर पैसे के काम कैसे हुआ? पैसा मिलेगा जब भी काम हुआ और कब ऐसे ही हो जाएगा फ्री में, तो कब तक जारी रहेगा? जारी रहेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही चलेगा। ये किस वजह से धरना दे रहे हैं आप? हम लोगों के पैसे 6-12 महीने से नहीं मिला, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके लिए भी हम लोग फैक्ट्री बंद कर रखे हैं कि हमारा पैसा दे दो, हम फैक्ट्री चालू करने के लिए तैयार हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारी बात। सीएम साहब से दिया, अपने कलेक्टर महोदय से भी दे दी, सबको दे दी, विधायक महोदय को दे दिया, कोई सुन नहीं रहा हमारी। 2-3 बार उनको अवगत कराया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा दोबारा तो बोलिए, फरवरी का पेमेंट है, हमारा बोनस है और इस साल का रिटेनिंग है वो हमें नहीं दिया जा रहा है, और बार बार आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपने किसी शिकायत की इसको लेकर? इसके लिए हमने सब जगह लेटर भिजवा दिए, कलेक्टर को भी, विधायक को, सीएम को, सब जगह भेज दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है हमें, इसलिए हमें मजबूर होकर आज आश्वासन बार बार मिला है। आश्वासन कब तक आपका धरना जारी रहेगा? पैसा मिल जाए हम करने तैयार, हम तो काम करने ही आए हैं, हमारा पैसा मिल जाए काम कर देंगे।
मॉडल पब्लिक स्कूल ने मनाया अपना वार्षिक उत्सव। इस कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तरह से किए कि सभी देखते रह गए। प्रदेश की सबसे बड़े बजट वाली नगर पालिका, नाम है राधोगढ़ नगर पालिका। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष बनना एक बड़े ही गौरव की बात है। उसका कारण है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बजट आता है, क्योंकि NFL नजदीक है, जिसका पूरा राजस्व नगर पालिका को मिलता है। राधोगढ़ नगर पालिका में हाल ही में चुनाव हुए हैं। यहाँ पर चुने गए अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी, साथ ही 20 वार्डों में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। वहीं 4 वार्डों में BJP अपने आप को समट कर रह गई। शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर एक अजीब ही नज़ारा देखने को मिला। आज भी यहां पर राजशाही लोगों पर हावी है। इसी के चलते जो काम कलेक्टर या SDM या फिर किसी जज को करना था, वह काम राज परिवार के विधायक जयवर्धन सिंह ने किया। राधोगढ़ नगर पालिका के चुनाव के शपथ ग्रहण समारोह में विधायक जयवर्धन सिंह, जो कि राजा दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव के बेटे हैं, उन्होंने जो किया वो सरासर नियम विरुद्ध है। अखंडता को अक्षण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों को निर्वाह। अगर 2 लाख रुपए होते तो बहुत पहले ही बन जाता विधायक। अगर मेरे भाई मेरी टांग नहीं खींचते तो बहुत पहले ही बन जाता विधायक। ऐसा कहना है हमारे क्षेत्रीय विधायक पन्नालाल शाक्य का। विधायक पन्नालाल शाक्य आज चंदेल समाज द्वारा आयोजित किए गए मां नर्मदा जयंती समारोह के समापन पर अपने दिल की भड़ास निकालते हुए देखे गए। उन्होंने यहाँ पर मंच से कहा कि यदि 1977 में मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो मैं कब का विधायक बन चुका होता। वहीं पन्नालाल शाक्य ने यह भी कहा कि विधायक पद पाने के लिए उनकी सरकारी टीचर की नौकरी भी हाथ से चली गई और पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया। विधायक यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि उनकी पत्नी भी उन्हें ताने मारने लगी थी कि अब इन बेटियों की शादी कैसे होगी, तुमने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी। ऐसा पहली बार नहीं कि विधायक पन्नालाल शाक्य ने कुछ कहा हो। वो अपनी बोली के लिए प्रसिद्ध हैं।
अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने विराट कोहली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था कि वह देशभक्त है या नहीं। कुछ मत पढ़ना, कुछ मत करना, श्रवण कुमार के समान अपने अपने माता पिता का सम्मान करते रहना, सम्मान करते। मैं आज जा आपके सामने प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूं, ये तो काम अपना सन 77 में ही हो गया था, पर लोगों ने अपने विषय में जो बात कही उसको सुनते जाइए आप, आपको बिल्कुल मैं उस मुकाम पे पहुंचा दूंगा कि पिछड़ने का कारण क्या है। लोगों ने अपने विषय में जो बातचीत कही वो ये कही कि अब तुम्हारे पास पैसा है क्या चुनाव लड़ने का। एक बात, दूसरी बात कही, अरे भाई साहब आप कैसे आदमी को टिकट दे रहे हो, हम तो उसकी जमानत भी नहीं बचा सकते, उसको कोई जानता ही नहीं। अरे भाई साहब आप उसे टिकट दे रहे हो, उसके बच्चे भूखे मरेंगे, नौकरी छूट जाएगी तो बच्चे भूखे मरेंगे, और परिणाम में ये निकला कि सन 77 से चलती चलती वो यात्रा 2008 तक आ गई। एक सज्जन मिले उसमें, नरेश बोला क्यों तुम चुनाव लड़ना चाहते हैं? अरे बिंदु क्यों नहीं, आपको अंगूठा कैसे खोल दिया, भगवान ने हमको शिक्षा दिलवाई है, हमारे पिताजी ने और माताजी ने कमर कस के हमको तीन बार एमए की परीक्षा करा पास करवा दिया, वकालत पास करवा दिया, आयुर्वेद रत्न भी हम पास हो गए हैं, तो हमको ये अंगूठा कैसे छोड़ी भाई, बताओ तुम पे 2 लाख रुपया है क्या? जी जी टिकट बेच रहे हैं। और टिकट बिक गया, टिकट बिक गया, नौकरी गई, और बेटा जो पैसा मिला था 10 दिन प्रचार करके वो भी गया, और टिकट तो गया ही, नौकरी गई, पैसा भी गया। अब हमारे घर की लक्ष्मी जी बोले कि तुमने जे का करो, क्या हो गया, मैंने क्या किया, तो जो मोड़िया है गीत के साधे संबंध कौन करेगा। अच्छा जैसे को भगवान की ऐसी गति है पता नहीं, मैं प्रतिनिधि बन गया 4 साल हो गई अभी भी कोई आया नहीं संबंध कर। कोई नहीं आया अभी तक, अच्छा बुला रहा हूँ सबको, आओ भैया आओ, ये जो माल में कब गया, जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई हिम्मत नहीं कर रहा, कोई कहता अरे भैया इतने बड़े आदमी से क्या करेंगे यार, संबंध कैसे होगा। ये जो हीन भावना है यही पतन का कारण है। बस डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।